अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यू? सब ठीक है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी जुबान भी रखे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी सा फ्राइड चिकन बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास चिकन है, लेग्स हैं। तो अब इसको सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि मैं इसको जो है ना इसमें विनीगर डालकर थोड़ा सा इसमें और साथ वाटर डाल के तो इसमें इसको अच्छे से जो है ना वो धो लेते हैं। उससे क्या होगा कि अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रखते हैं और फिर इसे अच्छे से वॉश करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप मैं बताती हूँ आपको वन बाई वन। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो को मिले भी और देखा भी करें। तो व्यूअर्स, व्हाइट विनेगर मैंने डाला है, इसमें वाटर डाला है और ये सॉल्ट डाला है। तो अब इसको जो है ना हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे और फिर अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत ही सही रहता है इससे ना उसकी फैट वगैरह। तो व्यूअर्स ये देखेगी अच्छे से वॉश हो गया, ये देखें कितना खूबसूरत हो गया। तो अब हम अगला स्टेप, अब यहाँ पे मैंने ले लिया पैन, इसको मैंने जो है ना वो रख दिया है इसके ऊपर, डबल जो है ना वो रख दिया है, क्योंकि जिस पे आप तवा ले लें कोई भी पुराना पैन, वैसे तो ये अच्छा ही है, नॉन स्टिक है, मोटे वाला इसके अंदर लगेगा नहीं। तो इसको मैं ना स्टीम करूँगी, आप चाहें तो दूसरे तरीके से स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही करूँगी। इससे क्या होगा कि जो है ना वो फ्राई करने में एक तो ईजी होता है और सेकेंड ये होता है कि अच्छा फ्राई हो जाता है। अब मैं ऊपर से कवर काट दूँगी तो उससे क्या होगा कि अंदर तक जो है ना वो हमारी चिकन जो है ना वो सॉफ्ट भी रहती है और कुक हो जाती है और इजी हो जाती है। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं बिल्कुल स्लो पे जो है ना वो चेंज कर करके इसको, तो इसको जो है ना वो स्टीम करते हैं इसी में, तो फिर मिलते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट उसमें पहले थोड़ा सा लगाया था, तो इसलिए ध्यान से आप जितना खाते हैं ना उसी हिसाब से। तो मैं एक भर के टीस्पून डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं आप तो रेड भी इसमें डाल लेते हैं, तो मैं हाफ हाफ करूँगी, हाफ मैंने टीस्पून डाली ब्लैक और हाफ ही रेड डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, जिंजर का जो है वो भी हाफ टी स्पून डाल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा होता है तो इसलिए हाफ ही कप। ओरेगानो डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी, सोया सॉस 1 टेबल स्पून जो है वो, बस अगर स्पाइसी खाते हैं तो डालें, नहीं तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। मैं फ्रेश जूस डाल रही हूँ इसमें, अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी चिकन जो है वो स्टीम हो गई है। तो बस हमने इसको इतना ही करना है, उसके बाद अब इसको जो है वो कर देते हैं हम इसका ऑफ। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना, ये देखिए ऐसे। तो अब हम इसको ऑफ करते हैं, कूल करते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं। और हमें चाहिए एग, यहाँ पे मैंने एग ले लिए, इनको मैंने फेर लिया अच्छे से, और अगला मैं क्या इसमें डालना है वो मैं बताती हूँ। व्यूअर्स, मैं इसमें जो यूज़ कर रही हूँ ये कॉर्नफ्लेक्स है, इसको कर रही हूँ। तो मैं इसमें चॉपर में डाल के इसको जो है ना थोड़ा सा बारीक कर, ये है, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से फिर भी थोड़ा सा बरेगा, थोड़ा सा हम इसको चला लें। तो व्यूअर्स ये देखें पीसने के बाद जो है ना ये इस तरह से हो गई है, ये ज़रा इसलिए लगा रहे हैं कि इससे क्रंची सा आता है और बहुत अच्छा सा जो है ना इससे बनती है। व्यूअर्स, उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखे और पर फ्लोर जो है ना वो ले लिया है, इसमें मैंने सॉल्ट डाली ज़रा सी, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि अगर आप चाहते हैं स्पाइसी तो आप इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला, आप चाहें तो डाल। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये जो हमने बनाया ना अपना मसाला बनाया था उसकी मैरिनेशन, तो इसको लगा लेते हैं। आप इसको हाथों से लगा लें, जैसे भी आप लगाना चाहें, तो इसको सारों को लगा के ना तो इसको रख। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, इसको हम करते हैं हॉट, तो फिर आप स्टार्ट कर। ये हमने अच्छे से जो है ना इसको लगा लिया है, जो हमने किया था मैरिनेट। अब यहाँ पे ये जो प्लेन फ्लोर मैंने बताया था ना, ये इसमें पहले मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है, सारा ये अच्छे से इसमें लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लगा लिया, अब एग में डिप करते हैं इसको, ये देखिए एग में अच्छे से एग इसमें लगा लेंगे, ऐसे हाथों से ही लगा लें। थोड़ा दूसरे वाला लेना चाहिए था पैन, आप देख ले लिया, चलो अब ये लग गया। अब क्राम्स में इसमें डालेंगे, अब ये जो हमने क्राम्स में इसमें लगा लेंगे इसको अच्छे से ऐसे। अब इस तरह से करके इसको रख भी सकते हैं मैरिनेट करके, किसी भी एयर टाइट में डाल के जार में या जिप लॉक में डाल के रख दें, तो उससे क्या होगा कि जब आप चाहें तो निकालें तो जल्दी से फ्राई कर लें, क्योंकि इसके बाद इसका बहुत थोड़ा रह जाता है। ये देखें इस तरह से, ये जो फ्लोर हम लगाते हैं ना, ये मैदा जो लगाते हैं, इससे क्या होता है कि इसमें ना इसका जो स्पाइसेस होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है, वो फिर निकलते नहीं हैं आपके बाहर फ्राई करने से। तो क्योंकि ये पहले से ही कुछ कुक हुआ है, तो बस फिर इसको और थोड़ा करना होता है। तो ये इस तरह से मैंने लगा लिया सारा, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं।
से 3 मिनट्स मैंने रखा है साइड पे, और आप इधर से तो आप साथ ही जो है ना चेंज करते ना, ये देखें कितना जबरदस्त बन गया ना हमारा। तो व्यूर्स ये हमारी बन गई मजेदार सी, ये देखें क्रंची और जूसी जो है ना चिकन। तो अब इसको जो है ना ये देखें जबरदस्ती हो गई, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखें तो व्यूअर्स ये देखिए ये बन गई हमारी मजेदार सी चिकन क्रंची और जूसी जबरदस्ती। तो चले अब हमने तो बना लिया, अब आप भी जरूर ऐसे ट्राई करें और इजी हो जाएगा, फैट फ्री भी हो जाती है और बहुत इजी हो जाता है और कुक भी अच्छे से हो जाता है। तो चले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।